हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं, ये हमारे पास आया है ओप्पो का सेट रेनो 2Z, जिसमें प्रॉब्लम यह है कि अभी इसका ग्लास टूटा हुआ है और बैक पैनल भी टूटा हुआ है। अभी आप इसको मॉडल हम आप लोगों को दिखाते हैं। ओप्पो ये है, आप देख सकते हैं ओप्पो रेनो 2Z मॉडल यही है। और इसका जो है प्रॉब्लम यह है इसमें कि इसका फ्रंट ग्लास टूटा हुआ है और बैक पैनल भी टूटा हुआ है, दोनों चेंज करना है। तो वीडियो में आप लोग बने रहें, आप लोगों को दोनों सारा प्रोसेस वन बाय वन चेंज करके दिखाएंगे। और इसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि इसमें शायद पानी वानी गया है, इसमें थोड़ा सा दाग है ऊपर, देख लीजिए आप लोग। इसमें दिक्कत यही है, शायद पानी वानी गया था और गिरा भी है, टूटा है। तो सारा प्रोसेस आप लोगों को करके दिखाएंगे, वीडियो में बने रहें। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पर आप लोगों को मिलती रहती हैं। चलिए सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखाते हैं। सबसे पहले इसका बैक पैनल हम लोग ओपन करेंगे। बैक पैनल खोलने के लिए आपको सेट को थोड़ा सा सेपरेटर मशीन पर हीट करना है। हीट करने के बाद साइड में कॉर्नर से इसको पन्नी की सहायता से धीरे धीरे निकाल लेना है, जैसे हमने वीडियो में आप लोगों को दिखाया है। बाकी आप लोग देख सकते हैं यह है, ये हमने बैक पैनल इसका हटा लिया है। अब इसको जल्दी से हम खोल लेते हैं, सारे स्क्रू इसको खोलना पड़ेगा तभी ये सेट खुलेगा। बाकी देखिए, हमने इसको जल्दी जल्दी से खोल दिया है। अब नीचे वाला भाग भी आपको खोलना पड़ेगा, चार्जिंग वाला बोर्ड, क्योंकि इसका पत्ता, डिस्प्ले पत्ता वहीं रहता है, नीचे से ही रहता है, तो इसको भी खोलना पड़ेगा। ये देखिए डिस्प्ले कनेक्टर, यहीं पे हमारा डिस्प्ले कनेक्ट रहता है, तो इसको निकालेंगे। उसके बाद इसको एक बार हीट करेंगे, हीट करके जो है इसका डिस्प्ले अलग करेंगे। तो वीडियो में बने रहें, सारा प्रोसेस आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखिए हमने इसको हीट किया और इसको बहुत ही आसानी के साथ निकालना है, मतलब जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि डिस्प्ले का जो है कांच जहाँ से टूटा रहता है वहाँ से अगर ज़रा सा भी बेंड होता है तो आपकी डिस्प्ले टूटने का खतरा बढ़ जाता है। बाकी ये दोबारा एक बार लग चुका है तो थोड़ा निकालने में दिक्कत भी होती है, क्योंकि हम आप लोग निकाल के दिखाएँगे इसका ग्लू कहाँ कहाँ तक फैल चुका था। शायद इसीलिए वो जो आप लोगों को सफ़ेद कलर दिख रहा था वही प्रॉब्लम है। देखिए हमने थोड़ा सा हीट करके इसको निकाला है, नीचे से निकलने में दिक्कत कर रहा है, लेकिन आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, बहुत आसानी के साथ निकल जाएगा। ये देखिए हमने डिस्प्ले को अलग कर लिया और बाकी आप देख सकते हैं कहां कहां पे इसका ग्लू फैल चुका है, इसलिए निकलने में इतनी दिक्कत कर रहा था। एक बार इसको डिस्प्ले लगा के हम चेक कर लेते हैं चल रहा है या डिस्प्ले डिस्प्ले टूट चुका है, तो इसको चेक करना ज़रूरी है। चेक कर लेंगे तो एक बार फिर कंफर्म हो जाता है। ये देखिए हमारा डिस्प्ले चल रहा है, प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसको हम एक बार इस पर जो है लेमिनेशन पन्नी लगाएंगे। लेमिनेशन पन्नी लगाने का मतलब यह है कि आपका डिस्प्ले ग्लास जो है अलग अलग नहीं होगा, बढ़िया से सेट हो जाएगा। और मतलब निकालेंगे जब सेपरेट करेंगे तो अलग अलग नहीं होगा, क्योंकि नहीं तो जहाँ से टूटा रहता है वहीं से अलग हो जाता है, बाकी डिस्प्ले भी टूटने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए आप लोग इसके लेमिनेशन पन्नी जो होती है वो लगा के ही निकालें। ये देखिए हमने इसको निकाला और चिपका लिया है लेमिनेशन पन्नी, और इसको साइड से काट देंगे जो बड़ी बड़ी पन्नी है, उसके बाद इसको सेपरेट करेंगे। देखिए हमने इसकी जो पन्नी लगाए थे लेमिनेशन पन्नी उसको काट दिया है, और ये इसको अब सेपरेटर पर रख के इसको सेपरेट करेंगे, डिस्प्ले टच डिस्प्ले और ग्लास को अलग करेंगे। इसके लिए आपको सेपरेटर मशीन का टेम्परेचर 100-110 रखना है मैक्सिमम, क्योंकि इस पर अच्छा वर्क होता है और आसानी से निकल जाता है, कट भी जाता है ग्लू। ये देखिए हमने अभी इसका ग्लू काट के निकाल लिया है, तो अब इसको डिस्प्ले को हम साफ़ करेंगे। बहुत ही सावधानी के साथ साफ़ करना है आप लोगों को, जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम लगता है।
बाकी आप बबल रिमूव क्या कह रहे हैं ग्लू रिमूवर मशीन से भी निकाल सकते हैं, वो भी था हमारे पास लेकिन अभी ख़राब हो चुका है तो हाथ से ही निकालेंगे इसको। तो इसको निकाल दिया है, देखिए हमने डिस्प्ले से सारा ग्लू निकाल दिया है। अब इसको हम साफ़ करेंगे, उसके बाद एक बार इस पर ओ सी ए लगाएंगे क्योंकि हमने जो ग्लास लिया था उसमें ओ सी ए नहीं था, विदाउट ओ सी ए वाला मिला था। बहुत ढूंढने के बाद विदाउट ओ सी ए वाला मिला है, नहीं तो ओ सी ए वाला मिल जाता तो वो अच्छा रहता है। ओ सी ए नहीं लगाना पड़ता और आसानी से चिपक भी जाता है। तो ये ओ सी ए हमारा जो है 6.5 इंच ओ सी ए है, इस पर लगाएंगे रोलर की सहायता से। बाकी आप लोग इसको लगा सकते हैं, ये देखिए हमने इसका ओ सी ए लगा लिया इसको फ्रेम में सेट करके। अब इसमें जो हमने ग्लास लिया था, ग्लास और पैनल दोनों एक साथ ही लिया था, तो ग्लास इस पर लगाएंगे। पहले इसकी ऊपर से पन्नी निकाल के, यह है ग्लास और ये पैनल है। क्वालिटी तो उतनी अच्छी नहीं रहती लेकिन फिर भी चलता है, लगाना है तो लगाना है। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए क्योंकि ऐसे ही नॉलेजबल वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को मिलती रहेंगी, ताकि अब इसको निकालेंगे। अब देखिए हमने सारा प्रोसेस जो है पंचिंग इसकी हाथ से ही की करनी है हमको, क्योंकि हमारे पास पंचिंग मशीन नहीं है, सिर्फ बबल रिमूवर रखे हैं, बाकी पंचिंग हाथ से ही करते हैं और आज तक ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। सारे प्रोसेस मतलब पंचिंग सब कुछ सही हो जाती है। अब इसको एक बार हम इसका ग्लू साफ करेंगे, उसके बाद निकाल के आप लोगों को दिखाएंगे डिस्प्ले, कहीं भी ज़रा सा भी दाग नहीं है ना बबल रहेगा, पूरा एकदम साफ हो गया, क्लीन हो गया है, देखिए नया जैसा लगा है, बिल्कुल प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब इसको हम फ्रेम में चिपकाएंगे, उसके बाद बैक पैनल भी इसको बांधना है। तो चलिए अब इसमें फटाफट ग्लू लगाते हैं साफ करके। ये देखिए ग्लू आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगाना है क्योंकि जो पहले लगा था उसमें ग्लू ज़्यादा लग गया था, इस वजह से जो है डिस्प्ले जो है चिपक गई थी ज़्यादा, इस निकालने में ज़्यादा दिक्कत हुई और डिस्प्ले के अंदर जाता है तो डिस्प्ले भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो ब्लैक ब्लैक दिखेगा आपको, तो इसलिए ग्लू ज़्यादा ना लगाएं, मतलब देख के हिसाब से ही लगाएं। अब डिस्प्ले इसका बांध दिया है और इसके बाद आप इसका बैक वाला ढक्कन बांधेंगे जो स्पीकर रहता है और बैक वाला। और हाँ एक बार और एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि इसमें पॉपअप कैमरा है तो इसमें स्क्रू जो है बहुत मतलब हिसाब से कसना है, क्योंकि पॉपअप कैमरा ज़्यादा टाइट कर देंगे तो निकलेगा नहीं, ये प्रॉब्लम आती है इसमें। तो पॉपअप कैमरा वाले फ़ोन जो हैं, ये देखिए इसकी लाइट उसमें नहीं थी पैनल में, उसको लगाना है, अभी लगाएंगे, उसके बाद उस पर ग्लू लगा के बहुत ही आसानी की सावधानी के साथ चिपका देना है आपको। अभी देखिए ग्लू लगा के इसको चिपका देना है, और चिपकाने के बाद आप लोग रबड़ कर सकते हैं या टेप से भी बांध सकते हैं। अभी हमने रबड़ किया है और ये देखिए प्रॉपर बन गया है और एकदम